हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको होम थिएटर में जो लो पास फिल्टर होता है, तो उस लो पास फिल्टर को हम किसी अदर एम्पलीफायर में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 IC लगे हुए हैं, तो 2 IC सेटेलाइट स्पीकर के लिए जो कि नॉर्मली साउंड के लिए होता है, और 1 IC पे हमारा जो है लो पास फिल्टर दिया जाता है, जिससे आप सबवूफर को रन करा सकते हो, जिससे सिर्फ बेस आता है। तो बहुत लोग ऐसे कमेंट करते थे कि होम थिएटर का जो लो पास फिल्टर का जो सर्किट होता है उसको हम सिर्फ कैसे यूज कर सकते हैं किसी और एम्पलीफायर के साथ। तो आज मैं यही कनेक्शन बताने वाला हूं। तो आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए इसको किस प्रकार से यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कोई सा भी होम थिएटर ले लेना है, और उसमें जो लो पास फिल्टर है दोस्तों, यहाँ पे ये जो 4558 का जो सर्किट है यहाँ पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ इसका लो पास फिल्टर को चेक करने के लिए मैंने इसमें सिर्फ जो है सप्लाई और इस बेस कंट्रोल के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है, बाकी इसमें वॉल्यूम और सेटेलाइट स्पीकर का कनेक्शन और सबवूफर का मैंने कनेक्शन नहीं किया है। और जिस बोर्ड में मैं चेक करने वाला हूँ उसमें मैंने यहाँ पे एक सबवूफर और यहाँ पे एक एम्पलीफायर में ये जो TDA-7265 का ब्रिज एम्पलीफायर का ये स्टूडियो एम्पलीफायर है, इसमें मैं आपको चेक करके बताऊंगा। जिसमें मैंने एक ट्रांसफार्मर और यहाँ पे ऑडियो इनपुट का जो वायर होता है ये डुअल चैनल का है, तो एक चैनल पे हम देंगे इसका। तो यहाँ पे मैं चेक करने के लिए मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों, आपके पास अगर होम थिएटर बोर्ड से अगर इसी प्रकार का आप फंक्शन यूज करना चाहते हो, तो चाहे आपका कोई भी एम्पलीफायर हो, आप उसमें जो है लो पास फिल्टर यूज कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा इसका कनेक्शन है, तो यहाँ पे आप इसको समझ लेते हो तब किसी भी एम्पलीफायर के साथ जो इसको कनेक्शन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो 1 IC से बेस निकलता है, तो आप चाहे तो 3 IC से बेस निकाल सकते हो इस लो पास फिल्टर के सहायता से। तो चलिए इसको किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, कि जो आपका होम थिएटर है जिसमें आपका लो पास फिल्टर लगा हुआ है उसमें पावर सप्लाई देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑडियो जैक मैंने लगा दिया है, जिससे मैं ऑडियो इनपुट दे सकूँ इसमें। और यहाँ पे बेस कंट्रोल के लिए मैंने यहाँ पे जो है एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया है, ताकि इसमें जो है हम बेस को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि ये जो यहाँ पे लो पास फिल्टर लगे हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट अगर आप देते हो तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस से यहाँ पे एक साथ शॉर्ट करके इसमें इनपुट चला जाता है, और इसका जो लो पास फिल्टर है दोस्तों यहाँ से आउटपुट होता है। ये जो पिन 2, ये वाला जो 2 पिन आपस में शॉर्ट है, किसी किसी होम थिएटर में जो है पहला और दूसरा शॉर्ट होता है, हालांकि वो भी सेम कनेक्शन होता है इसमें, लेकिन इसका जो सर्किट 2 तरह का आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आउटपुट करता है लो पास फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट करता है और एक यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे आता है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर में जाता है, तो पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले पिन में ये लगता है जो कि इनपुट होता है, बीच वाला आउटपुट होता है, और ये ग्राउंड होता है जो कि कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे लगा हुआ है। जो ऑरेंज वाला ये इनपुट है, दूसरा जो येलो वाला यहाँ से आउटपुट है, और ये तीसरा ग्राउंड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कि ये जो है हमारा मेन आउटपुट यहाँ से होता है, ठीक। तो अगर हम लो पास फिल्टर के लिए वायर जो अगर हम निकालना चाहेंगे, तो आप चाहे तो इसके ये जो बीच वाला है, मैं पोटेंशियोमीटर से ही समझा देता हूँ। तो ये जो पोटेंशियोमीटर के बीच वाला हमारा यहाँ पे वायर आता है, आप इससे भी ले सकते हो और इससे भी ले सकते हो, आप किसी दोनों में से भी ले सकते हो, लेकिन बीच वाला से अगर लोगे तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकोगे, अगर यहाँ से आप लेते हो तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और एक यहाँ पे ग्राउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे जो ये एम्पलीफायर का इनपुट है, तो 2 वायर हम इसमें से लेंगे, हालांकि ये डुअल चैनल का है तो बीच वाला ग्राउंड है, बाकी ये दोनों हमारा लेफ्ट राइट है। चाहे तो आप कोई भी सा भी एम्पलीफायर यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन सा हमारा ऑडियो इनपुट है। तो ये वाला हमारा जो है ऑडियो इनपुट है, तो मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ एक वायर को, और ये दोनों वायर हमारा ऑडियो इनपुट का आ जाता है, जो कि एक ग्राउंड का है और एक यहाँ पे हमारा ऑडियो इनपुट का है। ये दोनों वायर को हमें क्या करना है दोस्तों, कि ये जो हमारा
बेस कंट्रोल का जो पोटेंशियोमीटर है उसके बीच वाले पिन और ये तीसरे नंबर पिन वाले में कनेक्शन करना है। तो जो हमारा ये तीसरा नंबर पिन है दोस्तों वो हमारा ग्राउंड है और जो हमारा बीच वाला है वो हमारा आउटपुट है। तो आप यहाँ से बेस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये जो हमारा रेड वाला है वो ग्राउंड है और जो ब्लैक वाला है वो हमारा ऑडियो इनपुट है। तो मैं इसको इस पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड वाले पे कनेक्शन कर देता हूँ और इको वायर को मैं यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले में कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एम्पलीफायर है, ये वाला एम्पलीफायर है, इसका ऑडियो इनपुट जो है इस बेस वाले पोटेंशियोमीटर में मैंने कनेक्शन कर दिया है, जो कि एक ग्राउंड में देना है और एक बीच वाला में देना है। अगर साइड में भी आप दे सकते हो लेकिन यहाँ पे पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने बीच में ही लगा दिया है। अगर दोस्तों आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से अगर आप वायर को निकालना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि ये आउटपुट है तो यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू यहाँ गया है, तो आप इस ऑरेंज वाला वायर जो देख रहे हैं यहाँ से एक वायर ले सकते हो और एक वायर आप ग्राउंड से ले सकते हो। दो वायर यहाँ से निकालता है लो पास फिल्टर के लिए और यही दो वायर जो आप किसी भी एम्पलीफायर जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है कनेक्शन कर दिया है। तो चलिए अब मैं इसको जो है चेक करता हूँ कि ये हमारा किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ और इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया है और इसमें भी सप्लाई आ गया है, तो इस एडाप्टर के थ्रू इसमें आ गया है और इस ट्रांसफार्मर के थ्रू इसमें आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा एम्पलीफायर कर रहा है। तो चलिए मैं इसमें जो है सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑडियो इनपुट दे दिया है इस होम थिएटर में, अब यहाँ पे लो पास फिल्टर यहाँ पे आउटपुट करेगा और इस लो पास फिल्टर से मैंने इस एम्पलीफायर में दे दिया है और मैं इसको अब बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लो पास फिल्टर बहुत अच्छा से काम कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी एम्पलीफायर में किसी होम थिएटर से लो पास फिल्टर आप देकर आप सबवूफर को यूज कर सकते हो। जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है 5200 आप उसमें भी यूज कर सकते हो, 10 इंच का आप सबवूफर यूज कर सकते हो। जो कि लो पास का फिल्टर दोस्तों आपका जो है छोटा ही सर्किट होता है, ये कोई जरूरी नहीं कर आपका बड़ा सा एम्पलीफायर है तो बड़ा लो पास फिल्टर लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सर्किट होता है कंप्लीट इतना ही होता है जिससे आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एम्पलीफायर में लो पास फिल्टर यूज करके सब ऊपर कंट्रोल करवा सकते हो जिससे आप बेस को सुन पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कनेक्शन कर सकते हो अपने घर पे। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करे, शेयर करे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।